दोस्तों, अक्सर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग गर्भवती महिलाओं को कहा करते हैं कि घी खाओ। आपने ये जरूर सुना होगा कि हर कोई प्रेगनेंसी के दौरान, आपकी दादी हो, आपकी सास हो या आपकी माँ, हर कोई प्रेगनेंसी में घी खाने की सलाह देते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, प्रेगनेंसी में घी खाने से क्या नॉर्मल डिलीवरी होती है, प्रेगनेंसी में घी खाने के फ़ायदे क्या हैं और आपको कब और कितनी मात्रा में घी का सेवन करना चाहिए। अक्सर महिलाओं के मन में ये बात चलती है कि प्रेगनेंसी में घी खाना सुरक्षित है या नहीं, तो आप ये जान लीजिए कि प्रेगनेंसी में घी खाना बिल्कुल सेफ है, क्योंकि घी आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाता है। घी में फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आपको घी खाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं प्रेगनेंसी में घी खाने के फायदे क्या हैं। घी में ओमेगा फैटी एसिड, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो एक गर्भवती महिला के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान घी का सेवन करती हैं तो इससे पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है, क्योंकि इसमें एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाओं को गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए डेली 300 अतिरिक्त कैलोरी की ज़रूरत होती है, जो कि 3 चम्मच घी खाने से पूरी हो जाती है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान घी खाने से आपको प्रसव में होने वाला दर्द कम हो जाता है और शिशु जन्म में काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि घी खाने से गर्भवती महिलाओं के शरीर में कमजोरी नहीं होती है और महिलाएं प्रसव के समय पूरी ताकत लगा पाती है, इसलिए पूरे गर्भावस्था में आपको घी जरूर खाना चाहिए। जिन गर्भवती महिलाओं का गर्भावस्था के दौरान वजन कम हो, उनको दूध के साथ 1 चम्मच या 2 चम्मच घी का सेवन जरूर करना चाहिए, या आप दाल या रोटी के साथ भी घी का सेवन कर सकती हैं। प्रेगनेंसी में घी खाने से शिशु का शारीरिक और दिमागी विकास अच्छे से होता है। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में कब्ज की समस्या रहती है, वैसी महिलाएं घी का सेवन करती है तो कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। फ्रेंड्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी में घी खाने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, लेकिन यदि आप पूरे गर्भावस्था में घी का सेवन करती हैं तो यह आपके नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी मदद करता है। इससे आपको कमजोरी महसूस नहीं होती है, साथ ही आपकी हड्डियों की मजबूती बरकरार रहती है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी में घी कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाएं घी का सेवन अपने लंच या डिनर के साथ कर सकती है, या रात में सोने से पहले गर्म दूध के साथ 1 चम्मच घी मिलाकर इसका सेवन कर सकती है। फ्रेंड्स, जिन महिलाओं का वजन काफ़ी ज़्यादा है, उनको घी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि घी खाने से उनका वजन और अधिक बढ़ सकता है। और जिन गर्भवती महिलाओं का वजन कम है या वजन सामान्य है, वैसी महिलाएं डेली 2 से 3 चम्मच घी का सेवन कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी प्रेगनेंसी में घी खाने के फायदे और सावधानियां। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।